नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले दो स्टॉक के बारे में जिस सेम ग्रुप से बिलोंग करते तो दोनों स्टॉक के लिए झटका देने वाले ब्रेकिंग न्यूज सामने रहे। पहला स्टॉक है सुमया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्राइस लगभग 25 रुपए के आसपास है। और जो दूसरा स्टॉक है उसी ग्रुप से बिलोंग करता है सुमया इंडस्ट्रीज, प्राइस लगभग यहाँ पे 58 रुपए के आसपास है। तो दोनों कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा झटका देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए ऐसे स्टॉक में क्यों लोग अटक जाते, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 या 4 महीने में कंपनी ने लगभग 400% के जोरदार रिटर्न देते। और जो दूसरा स्टॉक है यहाँ पे सुमया इंडस्ट्रीज, इसने भी लगभग यहाँ पे देख सकते एक साल के अंदर लगभग 800% के जोरदार रिटर्न देते। कभी भी अगर यहाँ पे अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते तो स्टॉक मार्केट में जो रहते हैं रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में लालच के चक्कर में अटक जाते। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो पेनी स्टॉक्स रहते बहुत ही ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो रहते, अगर चले तो आपकी किस्मत बदल दे सकते, अगर यहाँ पे डूब जाते तो आपका पूरा कैपिटल जीरो भी होने के चांसेस रहते। तो कभी भी आप पे सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, स्टॉक का नाम देखेंगे, प्राइस देखेंगे, प्रीवियस यहाँ पे तगड़े रिटर्न दिख रहे तो डायरेक्ट आके बंद करके ऐसे स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप से 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं। क्या आप कंपनी का बिजनेस जानते हैं? अगर जानते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में मार्केट में जो कंपनी टिकी रह सकती है नहीं, वो भी जानना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं जो कंपनी डूब रहे और ऐसे स्टॉक में हेवी इन्वेस्टमेंट करते, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। और जो भी जो पैसा लगा रहे आप लोग यहाँ पे स्पेयर मनी होना चाहिए ऐसे स्टॉक में जो लगा रहे पैसा, क्योंकि ऐसे कंपनी डूब जाते तो आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे आने वाले 5 से 10 साल तक ब्लॉक हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसा पैसा लगाए जो आने वाले समय में आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाला है, वो पैसा लगाए। तो एग्जैक्टली जो झटका देने वाले ब्रेकिंग न्यूज़ का है, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, तो सेम स्टोरी यहाँ पे दोनों स्टॉक के साथ हो गए। यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, जो कंपनी के प्रमोटर, और इन्होंने किसके साथ यहाँ पे डील की थी, जो ब्रोकरेज रहते बाहर बड़े बड़े उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। और उन्होंने क्या किया, स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मैनिपुलेट करना मतलब क्या रहते, जो सबसे पहले यहाँ पे लोअर लेवल पे कौन खरीद लेगा स्टॉक, यहाँ पे ऑपरेटर और जो रहते यहाँ पे जैसे कि प्रमोटर और जो ब्रोकरेज ने यहाँ पे अलग अलग टारगेट दिए जाते, तो लोग क्या करते यहाँ पे स्टॉक को लोअर लेवल पे खरीद लेते, स्टॉक को भगा देते, बहुत सारा पैसा लगाते, स्टॉक एकदम ऊपर जाने के बाद मार्केट में अलग अलग न्यूज़ लाए देते, जैसे कि स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही बड़ा रिटर्न देने वाला है, ये स्टॉक खरीद ले लो, यहाँ के आगे जाके मल्टी बैग रिटर्न देने वाले। तो ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ आने के बाद क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर ऐसे लालच में क्या होता है, ऐसे स्टॉक को टॉप लेवल पर खरीदते, जैसे टॉप लेवल पर खरीदते स्टॉक यहाँ पर लोअर सर्किट में गिरना चालू होते। तो सेम स्टोरी यहाँ पर किसने किया, जो कंपनी के ओनर रहते उन्होंने किया, क्या किया उन्होंने, बड़े बड़े ब्रोकरेज रहते उनके साथ हाथ मिला के यहाँ पर स्टॉक को भगाया, वापस से गिराया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लगभग 800% तक भगाया, वापस से गिराया। तो इसमें फंसा कौन, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर फंस गए। और अभी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी लोग यहाँ तो स्टॉक लगभग 95% से स्टॉक क्रैश हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे भी सेम स्टोरी, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक लगभग 90% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। मतलब क्या करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर कभी भी ऐसे लालच के चक्कर में खराब स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस देखिए, उसके बाद बैलेंस शीट चेक कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते कंपनी के जो बैलेंस शीट है बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। कभी प्रॉफिट 2 करोड़ होता है, वापस से 50 करोड़ के आसपास जाता है, वापस से सिर्फ 29 यहाँ पे लाख का इनको नेट प्रॉफिट होता है। तो कभी भी यहाँ पे ऐसे जो बैलेंस शीट रहते स्टेबल नहीं रहते, ऐसे स्टॉक में कभी भी पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कि ऐसे जो भी स्टॉक्स रहते यहाँ पे कैसे रहते हैं, ऑपरेटर जब चाहे इसको भगा सकते हैं, वापस से गिरा सकते हैं। तो अभी तो आपको वेट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक में अगर 90% से अगर आप लॉस में बैठे तो स्टॉक में बेचने में कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं बनता। अगर देखिए अगर वापस से ऑपरेटर इसको भगाते तो वापस से थोड़ी बहुत रैली आ सकती है, वापस से गिराते तो थोड़ा बहुत आपको लॉस हो सकता है। तो आपका खुद का स्टडी जरूर कीजिए ऐसे स्टॉक में बायर सेल करने से पहले, खुद का स्टडी आप लोगों को स्टॉक मार्केट के लॉसेस से बचा सकता है। ये तो था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।